या सो नाइस क्वेश्चन. बेसिकली यहाँ पे 3 स्टोरीज बताई हैं, तो आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर था वो मैं इतना चैलेंजिंग नहीं बोलूँगी, बिकॉज मेरी स्टोरी बहुत सॉर्टेड थी. मेरी स्टोरी, आई एम इन लव विद समबडी बट ही लव समबडी एल्स, गेटिंग. तो आई थिंक मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ, तो आई बी लाइक ओके इट्स ओके जस्ट गो. तो मेरे लिए इतना ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे नहीं बोल सकती मैं. आई रियली लव प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड या हेलो, गुड आफ्टरनून. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग, ओके, बट मैंने जब ये फिल्म देखी, मैंने शायद से चीज़ें डिस्कस की कि कैसे फिल्म है. मैंने जब देखी फिल्म, तो मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई, बिकॉज नाउ डेज द पीपल डोंट नो हाउ टू डील विद द रिलेशनशिप इन रियल लाइफ, ओके. सो वो कैसे हैंडल करते हैं लोग, या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ गलत डिसीजन ले लेते, या फैमिली को प्रॉब्लम्स होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो वो एक ऐसी स्टोरी थी, और शाहिद ने आई थिंक पर्दे पे बहुत ही अच्छे से उसने काम किया है, और सारे एक्टर्स ने भी बहुत अच्छे से काम किया है. मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे अच्छा लगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रिलीज़ करें इस फिल्म को, जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें. सो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, इसलिए फिर मैंने एज ए को प्रोड्यूसर मैंने इस क्रू को ज्वाइन किया. ये जो हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं, 2 नवंबर को हमें फिल्म रिलीज कर रहे हैं. स्क्रीनिंग का तो वी विल डिसाइड, एंड बट हाँ वो हो जाएगा. आई थिंक मोर देन 200-300, या इतना तो हो सकता है. देखो बहुत, हाँ बड़ी बात है मेरे लिए आपने वहाँ पे कंपेयर कर लिया. मैं तो खैर बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका काम अप्रिशिएट करता हूँ, देखता हूँ, बट ऑब्वियसली आपने, आप आए थे मेरा लतीफ़ टू लादेन का ट्रेलर देखने, तो आपने देखा होगा वो फिल्म इससे बिल्कुल अलग है. तो ये ऑब्वियसली बात है कि मैं एक जॉनर में रहता ही नहीं हूँ. मैं बोर हो जाता हूँ, किसी भी एक चीज़ में बोर हो जाता हूँ. रियल लाइफ में भी यही है, और फिल्म्स में भी मैं अलग अलग तरह की फिल्म्स देखता हूँ, अलग अलग तरह की फिल्म्स करता हूँ. तो मैंने देखा है ज़्यादातर सब डायरेक्टर्स का एक ही जॉनर रहता है. मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, ऑब्वियसली वो बहुत सीनियर लोग हैं, बट ये मेरा मानना है कि मुझे अपने जैसा काम करना है, कि मुझे जो दिखाना है वो दिखाना है. वो जिस तरह की फिल्म है, अगर वो कमर्शियल है तो कमर्शियल ही अच्छी हो, रियलिस्टिक है तो उस तरह से ही अच्छी हो, रियल हो, सेंस हो. खैर सेंस तो हर तरह की फिल्म में होना ही चाहिए. तो इंस्पायर तो नहीं कह सकते, हम देखी हैं बहुत सारी फिल्में उनकी. देखिए स्क्रीनिंग के लिए तो हम एक दिन पहले अगर प्लान जो सोच रहे हैं वो मीडिया के लिए है, और क्रिटिक्स के लिए जैसे कोमल नाथा जी वगैरह हैं, उन्होंने हमारा पोस्टर ट्वीट किया था. कोमल नाथा जी होंगे, तरुण आदर्श, ये सब लोगों को हम इनवाइट करेंगे अपनी तरफ से, ट्राई करेंगे क्रिटिक्स आए यहाँ पे उस इस फिल्म को देखें, और वो बताएं कि ये फिल्म कैसी है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. लोग रिव्यूज़ देखकर जाते हैं फिल्म देखने आजकल, तो मैं चाहूँगा वो लोग आएँ. तो मैं उन्हीं के लिए, मेरा कुछ वैसा नहीं है. मुझे PR ने भी बोला कि यार कुछ अगर बड़े किसी को बुलाना, मैंने कहा मुझे नहीं बुलाना है, क्योंकि उनका कुछ है नहीं है उसके साथ फिल्म से. हमारी फिल्म है, उसके बारे में जो बात है वो आप पूछ सकते हैं. तो हाँ वैसा होगा तो सिर्फ क्रिटिक्स को और मीडिया को. या नहीं, ये ट्रेलर देख के मे भी आपको लग रहा होगा, पता नहीं, बट हैप्पी एंडिंग देखो कुछ होता नहीं है. फिल्म के अंदर भी जो है वो ओपन एंड है, सब चीज़ें वो रह गई हैं अधूरी. क्योंकि क्या होता है ना, ज़िंदगी में हम लोग थोड़ा सा भेड़चाल में भी चलते हैं, सोचते भी हैं कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, बहुत सारी चीज़ों में हम उलझे रह जाते हैं. उस चक्कर में हम अपनी लाइफ को भूल जाते हैं. तो एंड हैप्पी कुछ नहीं होता. सक्सेस का मतलब होता है आप खुश रहना, जिस दिन से आपने सीख लिया वो एंड है आपका. तो कोई कैरेक्टर शायद खुश है भी इस फिल्म में, और कोई नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है. वो कुछ ना कुछ पेंडिंग तो आपको मिलेगा. जी मेरी नज़र में वल्गैरिटी
सेक्स को दिखाना नहीं है मेरी नज़र में, उसको गलत तरीके से करना, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना, क्योंकि आप जो भी चीज़ें बनाते हो उसको आप कितना अच्छे से कन्विंस कर पाए हो, कन्विंसिंग कर पाए हो कि नहीं। क्या होता है कि आप जैसे हम कई बार हम देखते हैं बी ग्रेड फिल्म्स में जब एक्ट्रेसेस के वो वल्गर सीन्स होते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं लग रही होती, वो कंफर्टेबल नहीं लगती, वो वल्गर होता है क्योंकि वो ख़राब लग रहा होता है, वो ज़बरदस्ती लग रहा होता है। दूसरी चीज़ है कि फिल्म कैरेक्टर की डिमांड कहाँ तक है। देखो जितना हमने दिखाया है इससे कई ज़्यादा हमने फिल्मों में देखा है, बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स में देखा है जो चली हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिखाया है। वल्गर नहीं है, एडल्ट है, एडल्ट है। आप 18 से ऊपर वाले के वल्गर, तब आप फिल्म देखेंगे तो आप डिसाइड कर लेना, मैं भी वल्गर हूँ, मैं गलत हूँ, हो सकता है, बट मैंने ट्राई किया कि वो साफ ही दिखे। परी, माय क्वेश्चन इज टू यू परी जी, आप देख रही हैं कितना ये जो मी टू मूवमेंट कितना क्रेज पकड़ रहा है, नेशनल टॉपिक बन गया है, आप इंडस्ट्री में नई नज़र आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ के एनवायरमेंट के बारे में, लोगों के बारे में, और रोलर कोस्टर राइड तो नहीं रहा होगा आपका एक्टिंग करियर, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देख रही हैं ये मूवमेंट को और आप कितना सपोर्ट करती हैं, और आप क्या करना चाहेंगे अगर वुमेन यू नो सपोर्ट की बात की जाए तो। हेलो, अगर सपोर्ट की बात करें तो ऑफकोर्स मैं सपोर्ट करूँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फेमिनिज्म मुझ में भी है बीइंग अ गर्ल। एंड रही बात मी टू की और इंडस्ट्री की, तो मैं इंडस्ट्री के लिए अभी इतना जल्दी कुछ नहीं कह सकती, मैं खुद अभी उसमें एंटर कर रही हूँ तो मैं पहले ही रास्ते बंद नहीं कर सकती। और मी टू मोमेंट को मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी इस चीज़ के लिए, जैसे कि अभी चल रहा है काफ़ी, तो जो भी केसेस सामने आए हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं गर्ल्स जो भी इंडस्ट्री में हमारी एक्ट्रेसेस हैं और जो भी आर्टिस्ट हैं अगर वो इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं तो आई सपोर्ट देम। मेरा मानना ये है कि ऑब्वियसली ये चीज़ें सपोर्ट तो करनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि यार बिना प्रूफ के आप किसी पे भी नाम, अब क्या हो गया ना कि कोई भी लड़की उठ के किसी का भी नाम ले सकती है और आप मान लोगे उसको, किसके पास प्रूफ है? अभी तक हमने प्रूफ शायद सारा नहीं देखा होगा, जितनों के नाम आए हैं उनमें से सबके प्रूफ्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये बड़ा अजीब सा भी हो गया है कि इनसिक्योरिटी भी हो गई है कि आप सोचने लग जाओगे यार कि कैसे करें काम, लड़की को लेना भी है फिल्म में, कहीं ऐसा तो नहीं कर देगी, नई लड़की है कैसी है वो, तो वो भी डर पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है यार इतना जल्दी हमें ना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, कोई एक कुछ बोलता है और हम उसको मान के चल देते हैं, सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और मान लेते हैं, पहले उसको देखें, सोचें समझें कि ऐसा हो सकता है। कोई 150 के क्रू में डांस करते हुए एक इतना सीनियर एक्टर, वो 150 लोगों के सामने ही किसी को छेड़ेगा, अकेले भी छेड़ सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हुआ भी हो और हुआ तो बहुत गलत हुआ है, बट फिर वो मीडिया में ही क्यों जाती हैं चीज़ें, वो फिर आप लीगली भी जा सकते हो। तो मुझे लगता है मी टू तो ठीक है, बट एक दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, मतलब वो एक डर पड़ जाता है आम आदमी में यार कैसे करेंगे काम, ये मुझे लगता है। थैंक यू सर। स्ट्रीट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल हूँ आप लोगों का, आप लोग आए यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर जब इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनती हैं तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से, तो अगर आप लोग आ रहे हैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि अब जब ट्रेलर सामने आएगा लाइक यूट्यूब वगैरह पे सब जगह पे लोग देखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा उनको कैसा लग रहा है। मैं बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होता, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव सोच के चलता हूँ, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि चीज़ अच्छी बनी है तो लोगों को वो पसंद नहीं आती, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही होती वही लोगों को अपील करती है, बट हमारी कोशिश रही है कि ये कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो हर किसी ने फेस किया हो,
लाइक हर तरह का रिलेशनशिप है, तो हर किसी ने कोई रिलेशन तो फेस किया होगा, तो हर कोई रिलेट करे उस कहानी के साथ. तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है. फिल्म बहुत बढ़िया बनी है. बाकी तो मूवी के बारे में सारा ये डायरेक्टर साहब ही बताएंगे. तो ये है कि हम ये चाहते थे कि अपना J&K का जो टैलेंट है उसको निकाल के बाहर लाएं. तो मैं उसकी सपोर्ट में था. तो ये भी अपने सारे मैक्सिमम जो आर्टिस्ट हैं J&K के ही हैं. तो मेरा यही था सबसे बढ़िया. सो ट्रेलर तो मुझे बहुत पसंद था और मैंने फिल्म भी देखी. तो फिल्म पसंद आने के बाद हमने और मैंने और शाहिद ने हमने डिसाइड किया कि हम ये फिल्म को रिलीज़ करेंगे. और मैंने इसके लिए प्रेम कुमार फिल्म्स ने कोलैबोरेशन किया शाहिद काजमी फिल्म्स एंड सुजीत चौधरी फिल्म्स के साथ. और फिल्म बहुत अच्छी बनी है. एक होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कुछ पेंडिंग रह जाती है, कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो रियल लाइफ में होती है बट लोग कभी शेयर नहीं करते. तो उसको ही उस चीज़ को हमने जो पर्दे पे लाने की कोशिश की है. शाहिद ने बहुत अच्छा काम किया उस फिल्म के अंदर. और प्लस एज अ डायरेक्टर वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट है. उसको पता है चीज़ें कैसी होती है, कैसे हम पर्दे पे ला सकते हैं, कैसे रियल लाइफ में हम जोड़ सकते हैं. सो वो मुझे बहुत पसंद आती है. तो वो चीज़ों को ध्यान में रख के हमने फिल्म का ट्रेलर तो बहुत अच्छा बनाया. बट अभी फिल्म हम देखेंगे तो जैसे शाहिद ने बोला कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें जो होती है दोनों को साथ में लेकर चलना होता है. बट यस, आई एम श्योर कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी क्योंकि आज का जो यूथ है ना, वो यूथ का जो सोच है वो ऐसा ही कुछ है क्योंकि उसको पता नहीं हाउ टू डील विद रिलेशनशिप, हाउ टू डील विद द पीपल. एंड उस रिलेशनशिप के साथ अगर डील करते भी है तो क्या कुछ राइट डिसीजन लेते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं. सो वो कुछ चीज़ें हैं जो इस फिल्म में बताई गई है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड give encouragement to you know the new star cast and the new directors and all. So हमें भी ऐसा लगता है कि यार आप भी मीडिया भी सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फिल्म पर्दे पर अच्छी दिखेगी और लोगों के पास पहुँचेगी. इस तरह का ड्रामा पूरी फिल्म के लिए या मेरे फिल्म? ओके, फिल्म के लिए देखो हमने तो खैर बहुत सारी रिसर्च भी थी, कुछ लोग भी थे जिनसे हम मिलते थे, बात करते थे, जिनके ऐसे ऐसे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सुनी सुनाई चीज़ें भी हैं कि ऐसा किसी का रिलेशन रहा है, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद कभी सोची ना हो, किसी ने आम लोगों ने इमेजिन नहीं किया हो, बट होती हैं ये सारी चीज़ें. तो उसके बाद मैंने डिस्कस किया, मेरा भाई है शोएब जो इस फिल्म में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर में है, उसने बहुत हेल्प किया क्योंकि पूरा स्क्रीन प्ले जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का. स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है तो कैसे भी एक्टर्स हों, कैसा भी डायरेक्टर हो, फिल्म अच्छी नहीं बन सकती अगर स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है. तो स्क्रीन प्ले में बहुत हेल्प किया उसने, साथ में रह के कोशिश किया कि फिल्म साफ भी दिखे और वो सारी बोल्ड चीज़ें भी सामने होकर आएँ जो जो लोगों की नज़र में टैबू हों. तो ऑब्वियसली वर्क तो किया है बहुत सारा पहले. मैं ऑब्वियसली मेरा डायरेक्शन ही फोकस है. एक्चुअली मैं इस फिल्म में नहीं होता, इस फिल्म में कोई और एक्टर था और वो एक्चुअल में बायसेक्सुअल था, तो वो था फिल्म के अंदर. तो दूसरा वाला भी था लड़का, तो बट क्या हुआ कि कुछ ऐसा सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया कि शूट पे वो नहीं आ पाया और मुझे लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेना था और मेरे को कोई चॉइस ऐसा मिल नहीं रहा था जो निभा पाएगा. ऐसे एक्टिंग करने के लिए सब उठ के आ जाते हैं बट उस चीज़ को फिर समझना इतने जल्दी कि आपका मतलब शूट से एक दिन पहले आपको लगता है कि यार अभी मुझे कोई एक्टर देखना है जो इसको करना है, तो मुझे सडनली रिप्लेस करना पड़ा. तो उस टाइम में मुझे लगा यार इस कहानी को तो मैं ही समझ सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से लगा हूँ इस पर. तो फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया जो थोड़ा सा मुश्किल भी था मेरे लिए क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे डायरेक्शन करना था, डायरेक्शन मेरा मेन फोकस है. तो मैं इसमें आया फिर शायद से डायरेक्ट कर रहे, एक्टिंग भी कर रहे, दो काम एक साथ करना डिफिकल्ट टास्क माना जाता है. वो तो ये कैसे किया और दूसरा कुछ नहीं पेंडिंग लव, यही नाम क्यों रखे, दूसरा नाम क्यों नहीं? डायरेक्शन और एक्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट अगर आपका टीम वर्क अच्छा हो, टीम अच्छी हो, यूनिट अच्छा हो तो बड़ा थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि आपका DOP अच्छा है, आपका साउंड वाला अच्छा है तो वो लोग देख लेते हैं, वो कैमरा पे देख रहा है, वो साउंड सुन रहा है, उसको लग रहा है कि यार नहीं काम सही जा रहा है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैं एज अ डायरेक्टर अगर कभी एक्टिंग करता हूँ तो मैं वो प्ले करने के बाद पहले तो फ्रेम बनवाते हैं, फिर जाके करते हैं, फिर वापस जाके मैं देखता हूँ कि सही है कि नहीं, फिर वापस दोबारा रीटेक भी लेते हैं. तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है बट लास्ट मोमेंट डिसीजन था, मैंने लिया और मुझे लगता है ठीक है अच्छा निकल के ही आया. और रही बात पेंडिंग लव क्यों, तो बस क्योंकि ये कुछ ऐसे रिलेशन है जो अधूरे रह जाते हैं. लाइक एक बायसेक्सुअल का रिलेशन कब पूरा होता है? कभी नहीं होता है. एक टाइम पे जाके उनको अपनी फैमिली को भी देखना है, शादी भी करनी है, सब कुछ करना है, तो एक टाइम पे वो अधूरा ही रह जाता है प्यार. और ये इस तरह का रिलेशनशिप के कभी रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस ना हो, जेलसी ना हो, तो ये भी
एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही जब आपको कहीं ना कहीं ये फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार ये बंदा कहाँ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती हैं। उन चीज़ों के साथ डील करना ऑब्वियसली आसान नहीं है। तो जो भी रिलेशनशिप्स थे वो, अब वो फिल्म के अंदर आप देख सकते हैं उसका एंड क्या है, बट इतना है कि आप जिस जगह पे खुश, जिसके साथ आप अच्छा फील करो, मुझे लगता है कि वही आपकी सक्सेस है, वही आपका एंड है, हैप्पी एंड है। इसके अलावा यहाँ राखी नहीं दिख रही है, और राखी का जब नाम जब थोड़ा हिचकिचाहट लगी एक्टरों में, आप में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या है, थोड़ा समय बताएंगे? देखिए हमारे मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें रही हैं हमारी, मेरी नहीं रही हैं, हाँ प्रोड्यूसर्स के साथ रही हैं उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स। वो टाइम था, एक नोटबंदी का टाइम हुआ था, फिर उनका कुछ था अपना पेमेंट का कुछ मिला था, कुछ रह गया था, तो फिर उन्होंने ना वो उस चीज़ का इंतज़ार करने के बाद, क्या होता है कई बार वो चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी का टाइम पे हो जाता, तो वो न्यूज़ में डाल दिया वो सब किया, तो उस वजह से फिर हम लोग, मैं बात नहीं करता हूँ पर्सनली, मेरी बात ज़्यादा नहीं होती है। तो नहीं नहीं ये रीज़न, मैं प्रोफेशनली ये चीज़ कभी नहीं सोचता कि एक्चुअली क्या है कि राखी को मैं बड़ा पसंद करता था जब मैं बचपन में बिग बॉस वगैरह वो सब देखता था, मुझे लगता था कि यार वो बहुत सच्ची है, वो सीधा बोलती है, तो यार ये लोग क्यों इसको इतना नेगेटिव समझते, बट मैंने सामने भी देखा वो बहुत अच्छी है, ऑनेस्टली बताऊँ वो एक अच्छी, मैंने हमने और भी एक्टर्स के साथ काम किया जो छोटे छोटे एक्टर्स, मैं बड़ों का नाम नहीं लूँगा, बट सौरभ शुक्ला जी तो अच्छे एक्टर हैं, रघुवीर यादव जी बहुत एक्टर्स हैं, बट मुझे राखी उनसे कहीं ज़्यादा फेमस है, चाहे वो गंदे तरीके से हो या अच्छे से हो, यार राखी फेमस है हर कोई जानता है। उसके बाद भी उसका बिहेवियर इतना अच्छा था कि वो इतना, हमारे वहाँ पे जहाँ शूट कर रहे थे वो एक ऐसा टाउन था, वहाँ स्नो ही स्नो थी चारों तरफ, पानी नीचे आता ही था क्योंकि नल बंद हो गए, ब्लॉक हो जाते थे, वो उसके बाद भी कुछ बोलती नहीं थी, तो वो बहुत डाउन टू अर्थ है, वो सिर्फ मीडिया के सामने आके थोड़ा सा करती है, तो उसका मुझे बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। हाँ ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि मैंने उसको एज ए एक्ट्रेस ज़्यादा देखा नहीं था, जब मैंने देखा कि वो जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगा कि यार जो नॉर्मल सीन्स है ठीक है, बट जो कुछ एक सीन्स में मुझे लगा कि यार ये सही नहीं आ रहा है, कन्विंसिंग नहीं है, तो मैंने वो काट दिया, वो मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। राखी तो ऐसे ही प्रमोशन दे देगी वो मे बी वो अब राखी से बात होगी, मेरी तो बात होती नहीं है, इनके इनके आगे जो भी लोग हैं वो लोग बात करेंगे, अब इनके आगे बात होगी तो मैं भी नहीं, इनका इनका ज़्यादा क्लियर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा है कॉन्फ्लिक्ट है, बट हो सकता है कल को राखी, हम पड़ोसी भी हैं साथ में रहते हैं, हो सकता है कल को वो बोल ले, हमने उसको बोला था इससे पहले, तो उसने बोलता ठीक है देखती हूँ वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ें हुई थी बट क्लियर नहीं था, तो हम भी वैसे ही रहे, हम अपने, हमारा मेन पॉइंट है इस फिल्म को दिखाना और इसका जो कॉन्सेप्ट है, हमारा उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कोई आर्टिस्ट, क्योंकि सारे आर्टिस्ट ऐसे भी अवेलेबल नहीं है, वो भी एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, वो भी नहीं है यहाँ पर, तो जो हैं उनसे आप उनके बस समझ, चलो थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब फर्स्ट टाइम उनके साथ काम किया, मतलब वो पहले से नॉन सेलेब हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया हुआ उन्होंने, तो जब मुझे पता चला मैं उनके अपोजिट कास्ट हुआ हूँ तो एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा था, और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, उनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिली, इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, तो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। सपोर्ट करती है, व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट एनीथिंग और उन्हें नॉलेज होगा तो शी विल टेल यू कि हाँ ऐसा ऐसा करो, तो शी इज, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस विद हर। सब्जेक्ट जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई तो काफ़ी कन्विंसिंग लगा मुझे, वो जो करेक्टर है मेरा, रोहन नाम के लड़के का करेक्टर है, वो 20-21 साल का लड़का है जिसको अपने से काफ़ी बड़े लड़के से प्यार, लड़की से प्यार हो जाता है, वो ऑलमोस्ट कोई 10-15 साल उससे बड़ी है, तो मैं पूरी स्टोरी पे तो नहीं जाऊंगा अभी, बट अच्छा एक्सपीरियंस था, और स्क्रिप्ट से मैं बहुत कन्विंस हुआ था ऑलरेडी, और मुझे लगा मुझे ये करेक्टर करना चाहिए, और साथ में राखी सावंत अपोजिट में थे तो मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। आई वाज सो एक्साइटेड जब मुझे स्टोरी सुनाई गई, तो मेरे को तीनों स्टोरीज बहुत अच्छी लगी थी, एंड माइंड वाज मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट किया, मेरा जो स्टोरी था, तो मुझे एक्चुअली दोनों स्टोरीज भी इसलिए अच्छी लगी, बिकॉज एक तो लव जो नॉर्मली दिखाते हैं हैप्पी एंडिंग्स एंड ऑल, ऐसा नहीं है,
उन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट किया है. सब जगह हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती लव की, कुछ लोग पेंडिंग भी रह जाते हैं. तो इट्स लाइक दैट. तो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट एंड आई लाइक इट. हाँ, मेरी इस फिल्म से पहले एक फिल्म रिलीज हो रही है लतीफ़ टू लादेन, वो 26 अक्टूबर को हो रही है और नेक्स्ट जो है ये 2 नवंबर को हो रही है और मैं 2 और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ ऑलरेडी. या तो सेम, वी वर इन ऑपोजिट, लतीफ़ टू लादेन में हम दोनों ऑपोजिट में थे और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये भी 2 नवंबर को रिलीज हो रहा है. एंड या देयर सम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई एम वर्किंग ऑन, आई कैन नॉट डिस्क्लोज. जो आपसे जानना चाहेंगे, आई मीन राखी सावंत का जिक्र हो रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं, यू नो, मतलब जब आप काम कर रहे थे उनका तो कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ अगर आप खुल के बता पाएंगे और कुछ अपने किरदार के बारे में भी, व्हेन यू मीट इन अ वे, क्या क्या कहना चाहेंगे? जो करेक्टर के बारे में है, करेक्टर वो जो है वो वुमेनाइजर एक्चुअली, जो लड़का है रोहन, हाँ, अभी अभी टीनेज से बाहर आया और काफ़ी सारी चीज़ें नई नई एक्सपीरियंस कर रहा है वो, तो उसको ऐसा मतलब बहुत एनर्जेटिक है, बहुत इन्जॉय करता है लाइफ को, मस्त रहता है. पर जब उसका इंट्रैक्शन होता है मतलब एक बड़ी लेडी के साथ, जब उसका इंट्रैक्शन होता है एक बड़ी लेडी के साथ, तो वो फिर आगे कैसे कैसे उसकी लाइफ में वो इन्वॉल्व होता है, फिर कैसे फंसता जाता है, लेकिन लाइफ में नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है. तो राखी सावंत के साथ ये करेक्टर करना बहुत अच्छा था मेरे लिए, और क्योंकि वो बॉलीवुड में बहुत एक्सपीरियंस है नेचुरली, तो उनके साथ ये काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरा सवाल आपसे है, अंदर किसिंग की बात चल रही थी, तो कितना चैलेंज था आपके लिए, किसिंग सीन की बात चल रही थी तो कितना चैलेंज था आपके लिए और कितना कम्फर्टेबल थी? क्योंकि एज अ डायरेक्टर वो एक्टिंग भी कर रहे थे और डायरेक्ट भी कर रहे थे, कोई कट बोलने वाला नहीं था, तो कितना एंजॉय कर रही थी उसको? या सो मेरे सीन में कट करने वाले थे डायरेक्टर, बिकॉज मेरा जो किसिंग सीन है वो डायरेक्टर के साथ, जो हमारे को एक्टर डायरेक्टर, मेरे को एक्टर नहीं है उस टाइम पे, तो माय किसिंग सीन मेरे अलग जो को एक्टर हैं उनके साथ में है. और रही बात चैलेंजिंग की, तो यस, ये मेरे लिए चैलेंजिंग था बिकॉज ऑन स्क्रीन किस करना, इट्स माई फर्स्ट टाइम और आई वॉज वेरी नर्वस. मैं बहुत नर्वस हो रही थी कि स्क्रीन पे मैं अगर किस तरह में कैसी लगूंगी या लोग इसको अलग वे में तो नहीं ले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट देन मैंने अपने आप को चीज़ समझाई कि सी, बीइंग एन एक्टर आई हैव टू एक्सेप्ट इट. मुझे चीज़ एक्सेप्ट करनी है स्क्रीन पे, जो भी मेरा चैलेंज है, मतलब जो भी मेरे स्क्रिप्ट में है, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो यू हैव टू डू इट. तो आई जस्ट डिड इट. आपकी कितनी आशाएं अपेक्षाएं आपको इस फिल्म से, आपके किरदार से? हाँ, तो मुझे बहुत सारी आशाएं हैं. मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है. जैसा आई टोल्ड यू पहले भी कि नॉर्मल स्टोरी लव स्टोरी टाइप्स नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा व्यूवर्स को. तो आई एम श्योर ये लोगों को भी बहुत पसंद आएगा. आप सभी अगर जाकर देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा. हमारी कोशिश है कि हम लोगों तक इसको पहुँचाएँ. या कि सब जगह ऐसा नहीं होता, और जैसा कि पहले भी डायरेक्टर सर ने कहा था कि बहुत सारे चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते पब्लिकली. जैसे भी 377 अभी जो लॉन्च रिलीज हो गया है, ये बात हो गया है, तो थिंग इज वो पास अभी हुआ है, पर हमारे जो डायरेक्टर हैं उनकी सोच पहले से इस चीज़ को थी कि यू शुड एक्सेप्ट इट, अगर ये है ऐसा तब एक्सेप्ट करो. और उन्होंने इस मूवी को उससे पहले बनाया था, तो टचवुड अभी रिलीज अभी कर रहे हैं. मी टू पे क्या कहना चाहेंगे? मी टू पे मैंने पहले भी कहा था कि आई रियली सपोर्ट देम. अगर वैलिड लगता है कि आपके पास प्रूफ है कि हाँ ऐसा ऐसा गलत हुआ है, या सी, विदाउट प्रूफ वी कैन नॉट से एनीथिंग. हम किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं डाल सकते हैं, तो अगर है ऐसा तो आई सपोर्ट देम. जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें देख, जब कहते हैं लोग, हम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ यार ये सही कह रही है, पर हमें बैक द स्टोरी नहीं पता कि वो पीछे क्या स्टोरी रही होगी. तो इतना जल्दी मैं किसी को जज नहीं कर सकती, कुछ बोल नहीं सकती, बट आई सपोर्ट मी टू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.